ओम शांति। आज बहुत दिनों बाद आप सभी से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी देने जा रही हूँ जिसका प्रश्न और जिसके संबंधित उत्सुकता आज हर एक ब्रह्मवत्स के मन में उमड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, बाबा के कथन सत्य होते जा रहे हैं, तो हर एक को दिल में ये सवाल है कि आखिर सतयुगी सृष्टि की स्थापना किस प्रकार होगी और वहां योग बल से कैसे सृष्टि शुरू होगी, क्योंकि हम अभी कलयुगी जीवन जी रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र बन पवित्रता की धारणा का और योग अभ्यास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये प्रश्न कदाचित उठता रहता है कि क्या हम आत्माएं इतने शक्तिशाली बन जाएंगी कि योग बल के द्वारा सिर्फ संकल्प ऊर्जा की शक्ति के द्वारा एक माँ को भ्रूण धारण होगा और वो संतति पैदा कर पाएंगे। और उसी और यही संकल्प मेरे भी मन में बार बार उठता था, लेकिन रामानुसार एक चिकित्सक होने के नाते बाबा ने मेरी जिज्ञासा को समझा और एक दिन मुझे इसे स्पष्ट भी किया। तो जो बाबा ने मुझे यह अमृत विला स्पष्ट किया उसे काफी समय हो गया, लेकिन आज मैं वही बात अब समय की मांग के अनुसार महसूस हो रही है तो आपके सामने में रख रही हूँ। बाबा ने तीन बातें स्पष्ट की। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने बताई कि हर आत्मा ही जो आने वाली है, यानी किसी माँ के गर्भ में जब जन्म लेने वाली है, वही भ्रूण का निर्माण, उसका लिंग, उसका परिवार, समाज का स्थान स्वयं निर्धारण करती है, फिर चाहे वो सतयुग त्रेता का समय हो या द्वापर कलयुग का। जब ये बात मैंने जानी तो मुझे बेहद आश्चर्य हुआ, लेकिन जब कसौटी पर देखा तो महसूस हुआ कि ये बात बिल्कुल सत्य है। गीता में भी हमने देखा है कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर आत्मा जन्म से पूर्व ही अपने कर्मों के अनुसार अपना लिंग, अपना भाग्य अपने माता पिता को तय करके आती है और जीवन की उसकी मुख्य घटनाएं भी पहले से ही तय कर दी जाती है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, और यही फाउंडेशन या आधार होता है एस्ट्रोलॉजी विज्ञान का, यानी ज्योतिष शास्त्र का, जिसे हम कुंडली विज्ञान भी कहते हैं। अगर ऐसा पूर्व निर्धारण का कोई विज्ञान ना होता, कोई व्यवस्था ना होती, तो एस्ट्रोलॉजी जैसी वैज्ञानिक पद्धति भी आज संसार में नहीं होती। इसके अलावा हम कई बार देखते हैं और बहुत सारी समाज में सुनने में बातें आती है कि फला परिवार में फला व्यक्ति ने कहा मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, बच्चा बन के आऊंगा या बच्ची बन के आऊंगा, या कई बार माता पिता को ये पहले से एहसास हो जाता है कि अब उनके परिवार में फला व्यक्ति बच्चा बन के हमारे यहाँ जन्म लेने वाला है, और कई बार जन्म लेने के बाद ये एहसास उन्हें कराया जाता है स्वप्न द्वारा, संकल्पों द्वारा, या कुछ ऐसी आध्यात्मिक घटनाएं उनके जीवन में होती है जो उन्हें निश्चय देती है कि हाँ, ये हमारे जो संतान रूप में आई हुई आत्मा है ये फला व्यक्ति की है। तो ये तो हुआ शास्त्रों से और व्यवहारिकता से इसके प्रमाणित होने की मजबूती।
अब हम देखते हैं वैज्ञानिक रूप से। मैं मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई होने के कारण अब तक समझती थी कि माता पिता और खासकर माता के जो एंडोक्राइन सिस्टम है और माता पिता में जो एक्स वाई हैं उनके कारण ही सेक्स निर्धारण होता है और उसी के अनुसार बॉडी का विकास होता है। तब बाबा ने स्पष्ट किया कि वहां आत्मा जो आने वाली है वो स्वयं इतनी शक्तिशाली होती है कि उसे जिन माता के गर्भ में जन्म लेना होता है पहले वो संकल्पों द्वारा उन्हें ये संकल्प भेजती है कि उसे उनके यहाँ संतान के रूप में जन्म लेना है। तब ही उस माता को और माता पिता को युगल को ये संकल्प पैदा होता है कि अब उनके यहाँ संतान होनी चाहिए। संकल्पों के द्वारा उस आत्मा का आह्वान करने लगते हैं और आह्वान करने पर उनका कम्युनिकेशन उस आत्मा के साथ स्थापित होता है। तब वे आत्मा स्वयं उन्हें निर्देश देती है कि किस तरह माता को और अधिक योग स्थिति में रहकर अपने आप को दिन समय स्थान अनुसार अपने आप को योग में बैठाना है और वो आत्मा कब उनके यहाँ गर्भ में आएगी और वह माता जो है उस आत्मा का प्रतिदिन आह्वान करने लगती है। मन में शुभ और शुद्ध संकल्पों के साथ प्रतिदिन एक दिनचर्या का पालन करती है कि अब उसे एक माँ का स्वरूप धारण करना है और इसी के द्वारा उसके स्वयं के अंदर ये परिवर्तन होता है कि उसके जो अंडाणु हैं आने वाली आत्मा अपनी पवित्रता की शक्ति से माँ के अंडाशय में जो डॉटर सेल्स 23x ओवम हैं उसको दूसरी ओवरी के ओवम से मिलने के संयुग्मित होने के लिए और जायगोट बनने के लिए इस तरह प्रभावित करती है। माता की योग की स्थिति के कारण स्वयं ही आपस में संयुग्मित हो जाते हैं। दोनों अलग अलग ओवरी से लेकर ये दोनों का संयुग्मन होता है और उस जायगोट को स्थापित करने से लेकर उसके लिंग निर्धारण में कि उसमें पुरुषोचित गुण आएंगे या स्त्रियोचित गुण पैदा होंगे शारीरिक विकास के दौरान ये सब आने वाली आत्मा निर्धारित करती है। और माता का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो उसमें सहयोग करता है। पिता भी वहाँ योग शक्ति द्वारा संकल्पों की शक्ति द्वारा इस भ्रूण को विकसित होने में मदद करते हैं। तीसरी मुख्य बात जो बाबा ने बताई कि सृष्टि का प्रारंभ कैसे होगा, तो हम सभी मुरलियों के द्वारा जानते हैं ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाले कि सबसे पहले हम सबको जब विनाश का अंत समय होता है होगा ब्रह्मानुसार, तो ब्रह्मा बाप समेत हम सभी आत्माएं पहले शांति धाम जाएंगे और शांति धाम में जाकर शिव बाबा से मिलन मनाने के बाद जब ब्रह्मा बाप को पहला संकल्प पैदा होगा कि मैं अब जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेने के लिए सृष्टि रंगमंच पर जाऊं, तब वो अपनी होने वाली भावी माता को संकल्प भेजेंगे और उस संकल्प के कारण ही उनकी होने वाली माता पिता को ये संकल्प आएगा कि हमें वो पहले से ही इतने पावन जीवन जी रहे होंगे कि उसके माता पिता होने के लायक होंगे। तो ऐसा सात्विक और सद्गुणी जीवन जीने वाले माता पिता जब उस संकल्प को प्राप्त करेंगे कि हमारे यहाँ अब संतान होने का समय आया है, माता को ये इच्छा होगी कि मुझे अब गर्भ धारण करना है, तो वो रोज योग की स्थिति में बैठकर ईश्वर का ध्यान कर उस शक्ति को ग्रहण करती रहेगी और तब ये प्रक्रिया जो मैंने बताई
उस तरह से उस माता में परिवर्तन होगा। वे जब संयुग्मित होने लगती है तो उनमें क्रोमोसोमल पेयरिंग होना, उनका जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होना, यहाँ तक कि उनके जीन्स और डीएनए की सीक्वेंसिंग को सेट करने तक का कार्य भी वो आने वाली आत्मा ही, जो कि ब्रह्मा बाप समान शक्तिशाली आत्मा है, उसके द्वारा तय होता है। तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है कि वो उनकी सेटिंग, उनकी व्यवस्था इस तरह से करती है कि वो माता के भ्रूण में ही पूरी व्यवस्था अपने आने का स्थान एक सतयुगी देवी शरीर के रूप में वो अपने आप को प्राप्त कर सके। आप उनको पुरुषोचित शरीर धारण करना है या स्त्रियोचित धारण करना है, इसके लिए भी ये शक्ति आने वाली आत्मा के पास होती है और वो अपनी माता को संकल्प देकर ये पहले से सूचित कर देती है कि मैं पुत्र रूप में आ रहा हूँ या मैं पुत्री रूप में आ रहा हूँ। तो वहाँ ऐसा विरोधाभास नहीं होता कि माँ पुत्री की कामना करती हो और भ्रूण में, जो गर्भ में भ्रूण है वो जो है पुत्र का बन रहा हो, या पुत्र की कामना माँ कर रही हो और गर्भ में भ्रूण पुत्री का बन रहा हो। क्योंकि सतयुग में तो हर एक के संकल्प एक दूसरे से मिले हुए यानी मैच करते हैं, वहाँ मतभेद का सवाल ही नहीं होता, इसीलिए वहाँ चारों ओर सुख शांति होती है। तो ये 12 से 16 वीक का गर्भ हो जाता है तो उस भ्रूण में आने वाली आत्मा उस माता को सूचित करके प्रवेश कर लेती है और उसके बाद उसको पूरी तरह से विकसित करने में सारी शक्ति आने वाली आत्मा की ही होती है, उसी के द्वारा वो विकास को प्राप्त करती है। इसीलिए कहा भी गया है कि कृष्ण की जितनी महिमा है उसके माता पिता की नहीं है। बाबा बार बार मूल्यों में ये बताते हैं कि उनकी महिमा इतनी क्यों नहीं है, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली नहीं है। कृष्ण का जन्म तो स्वयं कृष्ण की शक्ति से ही होता है, खुद ब्रह्मा की शक्ति से होता है। इसलिए हर एक आत्मा जो हम देवी देवता स्वरूप में जाना चाहते हैं, जीवन मुक्त अवस्था को पाना चाहते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि हमें इतना शक्तिशाली बनना होगा, अपनी आत्मा को इतना सत्व प्रधान बनाना होगा, सभी गुणों से संपन्न, कि कोई भी विकारों का या अंश नहीं रह जाए। अन्यथा हम जब उसको निर्धारण करेंगे, हमारे लिए जो भवन या भ्रूण बनेगा उसमें हमारा वो कमी पेशी भी ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि जिन्हें सतयुगी देवी देवता ही पद पाना होता है वे अपने आप को पूर्ण संपूर्ण 16 कला संपन्न बनाते हैं। तो हमें समझना चाहिए हमें अब कितनी मेहनत करनी है और किस तरह सतयुगी सृष्टि में अपना पद और स्थान तय करना। इससे संबंधित और भी विस्तार मुझे कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन वीडियो की अधिक लंबाई होने के कारण मैं यहाँ नहीं दे पा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आगे शेयर करूँगी या आपके प्रश्नों में आपको अवश्य स्पष्ट करूँगी। ओम शांति।